हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर आज शुरू करते हैं एक न्यू रेसिपी। रेसिपी बहुत सिंपल सा है, तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। एक चिली, आप चिली चिकन खाए होंगे, पनीर चिली खाए होंगे, कॉलीफ्लावर चिली खाए होंगे, तो एक चिली कैसे बनता है मैं दिखाता हूँ आपको। प्रॉपर तरीका क्या है, आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए उसको शुरू करते हैं कैसे बनता है। एक चिली बनाने के लिए मैंने ले लिए इधर 5 अंडा, और मेरे को चाहिए गार्लिक, ऑनियन, ग्रीन चिली, जिंजर एंड 3 टाइप ऑफ बेल पेपर या कैप्सिकम। मेरे पास था अवेलेबल है, मैं ले लिया। आपके पास ग्रीन होगा तो ग्रीन और ऑनियन के साथ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लेट्स गो। ये अंडे को पहले 1/4 कर लेना है, ऐसा ऐसे कटिंग की कि उसका जो अंडा का जो योक होता है, येलो पार्ट, वो जैसे कि व्हाइट से अलग ना हो, तो ऐसे कटिंग कीजिए। मेरा देखिए नहीं निकल रहा है। अगर इसे बोर्ड में रख के करने से निकल जी जा सकता तो कोई धागा या थ्रेड्स का मदद से आप कटिंग कर सकते रहते। इसको हाथ में ऐसे पकड़िए और दोनों तरफ से उसको मदद मिलेगा तो निकलेगा नहीं। आपको जैसे आसान लगे ऐसे कीजिए। मैंने अंडा को काट लिया इस तरह वजह, तो अभी शुरू करते हैं सर बैटर का प्रोसेस। मैंने एक बाउल ले लिया, बाउल में हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर एंड मैदा। अब 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर एंड 50 ग्राम मैदा डालिए 5 अंडों के लिए, परफेक्ट हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और थोड़ा सा ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। अभी हम बैटर में ऐड करेंगे एक अंडा और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और बढ़िया से गाढ़ा गाढ़ा बैटर बनाएंगे। इस तरह का बैटर लगाने का टाइम थोड़ा उसको बीट कर लेना बढ़िया से, बैटर अच्छा बनता है। बैटर हमारा बन गया, देख सकते हैं ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं कि ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बस सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए, देख सकते हैं। मैंने अभी फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल ले लिया, गर्म होते ही मैं इसको अंडा फ्राई करूँगा। तेल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, अभी हम अंडा को बैटर में डिप करेंगे। इस तरह एक एक पीस लेकर डिप कीजिए और ऑयल में छूरिए। हमने एक एक करके पूरा अंडा को ऑयल में छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर में हमारा अंडा सब कुक हो फ्राई हो जाएगा। अंडा को ऐसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेना है। तो अभी हो गया हमारा अंडा, अभी ऑयल से रिमूव करते हैं उसको। अगर ऐसा वाला रेसिपी दोस्त पहले खाए होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरा रेसिपी अगर कैसा लग रहा है उसको भी ज़रूर कमेंट में बताओ। अगर कुछ नया लगे तो भी बताओ, अगर कुछ बुरा लगे तभी बताओ। अभी हम बनाने जा रहे हैं अंडा चिली का सॉस। तो सॉस जैसे नॉर्मली चिली चिकन का सॉस बनता है, ऐसे अंडा चिली का ही बनेगा, बट चिकन का जगह में अंडा आप खाएंगे, सेम टू सेम सेम रहेगा सॉस का। तो पहले हम ले लिया ऑयल, ऑयल में हम आ देंगे गार्लिक, गार्लिक के बाद हम आ देंगे जिंजर, जिंजर के बाद हम आ देंगे ग्रीन चिली, उसके बाद में काटी हुई कैप्सिकम एंड ऑनियन। मेरे पास एक कोरिएंडर स्टिक अवेलेबल है, आपके पास नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम नहीं, कोरिएंडर चॉप डाल सकते हैं। मैं डाल रहा हूँ कोरिएंडर स्टिक, तीनों एक पूरा ऑनियन कैप्सिकम का सौते कर लीजिए। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा स्टार्ट करें सॉस, फिर आ गया इसमें हमारा टमाटो केचप, रेड चिली सॉस, देन चिली पेस्ट, फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, एरोमेटिक मिक्स, वाइट पेपर एंड इसमें आएगा हमारा डार्क सोया। तो कितना बढ़िया सॉस हमारा बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। सॉस आपका जितना अच्छा बनेगा टेस्ट उतना अच्छा रहेगा। मैंने अभी ऐड कर दिया कोरिएंडर लीव,
और थोड़ा सा शुगर, मैं टमाटो सॉस कम यूज करता हूँ इसलिए शुगर हट गया। आते आते टमाटो सॉस ज़्यादा ऐड कर सकते हैं तो शुगर नहीं लगेगा। तो अभी आएगा हमारा अंडा, हमारा मस्त वाला अंडा चिली बन के अभी तैयार हो चुका है। अभी करते हैं उसको प्लेटिंग। अंदर आएगा हमारे ये गार्निशिंग। तो ऐसे ही अंडा चिली घर में बनाइए। अंडा चिली बन के हो गया सर, अभी करते हैं टेस्ट। जबरदस्त आपको दिखाता रहूंगा, आप जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो ऐसे में अच्छा अच्छा चीज़ बनाते रहूँगा, आपको दिखाते रहूँगा और खिलाते रहूँगा, खाऊंगा भी। आप लोग देखते भी यार, सब्सक्राइब या बिल्कुल कोई भी नहीं करता यार, एक बार कर लो ना यार, हमको भी मोटिवेट मिलेगा और कुछ अच्छा करने के लिए। अभी नया नया कर रहा हूँ चैनल में, बहुत फील हो रहा है, तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो और बढ़िया से करूँगा ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना यार, आपका फ्रेंड एंड फैमिली में डिस्कस कीजिए मेरा रेसिपी कैसा लग रहा है। और मैं सिर्फ होटल से बिलोंग करता हूँ, अगर मेरा कोई सेफ देख रहा है, कोई दोस्त देख रहा है तो वो भी मेरे कोई सजेस्ट करे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं कि मैं नहीं आया हूँ, मैं भी बहुत बंदे के साथ काम कर चुका हूँ, मेरा वो सीनियर है, वो भी देख रहे हैं तो उसमें कमेंट करके बताओ तो ज़रूर मेरे को और मोटिवेट मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट मी, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जय जगन्नाथ।